बिहार सरकार और शिक्षा विभाग बेहतर शिक्षा व्यवस्था का दावा करती है, लेकिन छातापुर प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मी सरदार टोला रत्नसार की तस्वीर देखकर शिक्षा व्यवस्था का अनुमान लगाना सहज है। ग्राम जीरो से हमारे सहयोगी राजेश चौधरी ने स्कूल के जर्जर हालातों का जायजा लिया। प्रखंड की ग्वालपारा पंचायत में और जिस विद्यालय में अभी मौजूद हैं, इस विद्यालय के सबसे पहले छत की तस्वीर दिखाते हैं। बारिश हो रही है और बारिश में जो छत जो है किस तरह टपक रहा है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को जो है किस तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम बात करेंगे विद्यालय के प्राचार्य अजित कुमार यादव से। सर सर कितना समस्या होता है बच्चों को इस जगह पे पढ़ाने में? बहुत परेशानी होती है बच्चा को, वर्षा होने के बाद जो है ना टिप टिप पानी पड़ते रहता है, किताब भीग जाता है, सबका शरीर पर पानी गिरते रहता है। यह विद्यालय का जो स्वरूप है वो विद्यालय का स्वरूप नहीं दिख रहा है, किस ये क्या है आखिर? समुदाय भवन है, विद्यालय चल रहा है इसमें। सामुदायिक भवन में विद्यालय कब से चल रहा है? लगभग 10 साल से। क्या विभाग की नजर इस ओर नहीं आई? हाँ बोल दिए हैं कितना बार, विभाग का कोई असर नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं सुनते पदाधिकारी? नहीं होता है कोई तरह का दिक्कत। अगर बारिश में बारिश हो रही है, अगर धूप ज्यादा होगा तो धूप भी बच्चों को लगेगा, तो परेशानी तो होता होगा ना? परेशानी खूब होता है कि सुनने वाला कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं। कितने बच्चे नामांकित हैं? 145। कितने शिक्षक कार्यरत हैं? 4 शिक्षक कार्यरत है और 145 बच्चे इस विद्यालय में नामांकित और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी रियाज को बोले, रियाज आप छत की तस्वीर दिखाइए, जिस तरह बारिश हो रही है, बारिश जो तमाम दावे का पोल खोल रहा है कि किस तरह ये चीख चीख कह रहा है कि बिहार सरकार मुझे गौर से देखिए, मैं उसी पुराने हाल में बदहाल में हूं और जहां पे मेरे इस छत के नीचे ना लगभग 150 बच्चे 145 बच्चे पठन पाठन करते हैं, उन नौनिहालियों का क्या जो घर से शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और जब बारिश होती है तो बच्चे विद्यालय से भाग जाते हैं, भागना उनकी मजबूरी हो जाती है। तस्वीर दिखाएंगे, जब बारिश शुरू हुई ना बच्चे यहाँ से निकल गए हैं। मैम बच्चे नहीं है क्लास में, कहाँ गए? जी क्योंकि यहाँ बैठने की जगह नहीं है। मतलब बारिश में बच्चे निकल जाते हैं? बारिश में जी निकल जाते हैं। कितना समस्या होता है बच्चों को पढ़ने में? बहुत समस्या है, सब क्लास एक साथ बैठते हैं और बहुत समस्या होती है। जब बारिश होती है उसके बाद जो बारिश हो रही इसलिए बच्चे निकल गए, मजबूरी छोड़ना पड़ा सबको। शुक्रिया के साथ राजेश।